ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मैं मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा, वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आजाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्लड सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घरवाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ, मुझे ताज्जुब हुआ। मगर आपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही है आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। वो बोली, अकेली नहीं हूँ, साथ में है कोई। कौन? मैंने प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है, इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली, मुझे उन जनाब ने, यानी मेरे लवर ने, पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना,
बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ, मैंने फिर चुटकी ली। कहा उसने तो मैं मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है, उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके, वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल है, ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था एक पेट्रो कंपनी में, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2% की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीबी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सक, उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भगाकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजारा हो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार, बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं, मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं, मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो कुलटा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही, ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होंठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूँ जिससे प्रेम करूँ। उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगे उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ रीत है,
लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी। न उसका परिवार, फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो, वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे, इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैसे मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सिरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था, वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की, लालच हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक होशी गई, उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा, तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर, वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है, मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पा। हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी, उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। कहानी को अंत तक पढ़ने का धन्यवाद और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है, माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा हो जो ऐसा करने की सोच भी रहा हो तो मेरे हिसाब से ये कहानी उसको शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से उन माँ बाप की जिंदगियाँ बच जाएँ।
और उस लड़की की भी जिंदगी बच जाए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने माता पिता से कितना प्यार करती हैं और उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।